हाय गाइस, सो कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया। सो गाइस, इंडेस चार्ट रिविजन का ये लेक्चर नंबर आई थिंक 7 है, जहां पर हम आज डिस्कस करेंगे इंडेस 36। वैसे आप सब जानते हैं कि इंडेस चार्ट रिविजन हम लाइव ले रहे हैं यूट्यूब पे, मेरे चैनल मतलब सी ए जय चावला और दूसरा VSMART के चैनल पे मिक्सिंग करके। बट आज क्योंकि नेटवर्क इश्यूज़ के कारण मैं क्लास नहीं ले पाया हूँ, लाइव क्लास नहीं ले पाया हूँ। नेटवर्क इश्यूज़ इतने सारे हैं कि आज हमारा ना ही मोबाइल का नेटवर्क काम कर रहा है, ना ही ब्रॉडबैंड नेटवर्क काम कर रहा है। तो इस वजह से आई हैव डिसाइडेड कि ये सेशन मैं ऑफलाइन रिकॉर्ड करूँ। अब मैं नहीं जानता हूँ कि ये सेशन मैं ऑफलाइन कितना रिकॉर्ड कर पाऊंगा, क्योंकि ये सेशन थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि इंडेस 36 वैसे भी थोड़ा सा बड़ा होता है। तो जैसा भी रहा, ये सेशन को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसको मैं अपलोड कर दूंगा चैनल पे, और आप आराम से इसको देख लीजिएगा। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडेस 36 इम्पेयरमेंट, मैं फिर से एक बार याद दिलाना चाहूँ, हमने इंडेस चार्ट रिविजन, अगर आप मेरे चार्ट रिविजन सीक्वेंस से देखते आ रहे होंगे तो हमने इंडेस 12 किया था सबसे पहले, जो कि ठीक है अलग था। बाकी हमने सीक्वेंस से क्या किए थे, सबसे पहले असेट बेस्ड स्टैंडर्ड्स को हमने उठाना शुरू किया है, हम वहीं पर चल रहे हैं। पीपीई एक डिफरेंट असेट, इंटेंजिबल असेट डिफरेंट असेट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डिफरेंट, और उसके लास्ट में हमने क्या देखा, इन्वेंट्री एक डिफरेंट असेट। फिर हमने इन चारों को मिलाकर देखा कि यार इन चारों के लिए अगर मान लो बोरोइंग किया जाए तो इनका बोरोइंग कॉस्ट का क्या ट्रीटमेंट होगा। वहां तक हम पहुंच गए। अब हम कहाँ पहुंचे हैं? अब हम पहुंचे हैं बैलेंस शीट डेट पर। बैलेंस शीट डेट पर क्या करना चाहिए सर? बैलेंस शीट डेट पर हमें असेट्स को बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए, बिल्कुल ठीक। तो बैलेंस शीट डेट पर हमें असेट्स को मेजर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मेजर करना चाहिए। पर सर वो मेजरमेंट क्राइटेरिया तो हमने हर स्टैंडर्ड में पढ़ा है ना? बिल्कुल पढ़ा है। हमने तो ये भी पढ़ा है कि कौन सी असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन होगा, किसके ऊपर नहीं होगा, मेजरमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, इन्वेंट्री का कॉस्ट व्हिचएवर इज लोअर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का माइनस डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं होगा। पीपी में पढ़ा कि हम रिवैल्यूएशन मॉडल भी कर सकते हो, कॉस्ट मॉडल भी कर सकते हो, पर डेप्रिसिएशन तो लगाना ही पड़ेगा। इंटेंजिबल में भी हमने सेम पढ़ा। बट क्या जो हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, क्या वो डेप्रिसिएशन सफिशिएंट है? क्या डेप्रिसिएशन लगाने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हमारी असेट की जो वैल्यू है वो आज की वैल्यू के बराबर सही वैल्यू पर है? क्या हम ये कह सकते हैं? द आंसर इज नो। कभी कभार क्या होता है कि आपकी असेट कुछ कारणों से, मैंने बोला है ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज ऑफ सम स्पेसिफिक रीजंस आपकी असेट की वैल्यू डाउन हो जाती है। पर जब आप डेप्रिसिएशन लगाते हो तो उस डेप्रिसिएशन के कारण असेट उतना डाउन नहीं होता जितना वो होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि बिकॉज ऑफ सम स्पेसिफिक रीजंस, माइट बी असेट डैमेज हो जाना या कुछ मार्केट इश्यूज के चक्कर में असेट की वैल्यू गिर जाना, जिसकी वजह से आपकी असेट की वैल्यू गिर गई मान लीजिए 4 लाख रुपए से, पर आपने डेप्रिसिएशन तो सिर्फ 1 लाख रुपए का लगाया। तो क्या ये सफिशिएंट है कि आपने 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगा दिया, दैट्स इट, बस आप कुछ करने की जरूरत नहीं? हो सकता है शायद कि अगर हम 3 लाख और गिरा दें तो आज असेट अपनी प्रॉपर वैल्यू पे दिखे। इंपेयरमेंट का मतलब क्या होता है? इंपेयरमेंट का मतलब होता है असेट की वैल्यू को रिड्यूस करना बिकॉज ऑफ सम स्पेसिफिक रीजंस। मैं बार बार बोल रहा हूं बिकॉज ऑफ सम स्पेसिफिक रीजंस, क्योंकि आगे चल के आपको एक डाउट आएगा, मैं उस डाउट को कवर अप करने के लिए अभी पहले से ही मैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्डिंग यूज कर रहा हूं ताकि बाद में वो कवर अप हो जाए। सो इंपेयरमेंट का मतलब होता है असेट की वैल्यू को रिड्यूस करना ओवर एंड अबव डेप्रिसिएशन। दो चीजें होती हैं, जिन दो चीजों से, एक्चुअली 3 चीजों से असेट की वैल्यू डाउन होती है। 3 चीजों से असेट की वैल्यू डाउन होती है। पहला, डेप्रिसिएशन। जब आप डेप्रिसिएशन लगाते हो तो आपकी असेट की वैल्यू डाउन होती है। दूसरा, जब आप रीवैल्यूएशन करते हो डाउनवर्ड, अगर आप एज पर इंडेस 16 की बात करो या एज पर इंडेस 38 की बात करो, क्योंकि इंडेस 40 तो आपको अलाउ नहीं करता, ठीक है ना। जब आप डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करते हो तो आपकी असेट की वैल्यू डाउन होती है। और तीसरा होता है इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट के कारण भी असेट की वैल्यू रिड्यूस होती है। अब आपका डाउट माइंड में आपके ये होगा कि जब हम सर किसी असेट को रिवैल्यू कर ही रहे हैं, मतलब डाउनवर्ड रिवैल्यू करते ही हैं, तो सर इम्पेयरमेंट की जरूरत ही क्या है? तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि इंपेयरमेंट का ऐसा एक स्टैंडर्ड है स्पेसिफिक, जहां पर वो आपको स्पेसिफिक रीजंस बताता है कि कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिन इंडिकेटर्स की वजह से आपको INDAS 38 लगाना जरूरी ही है। जबकि जो रीवैल्यूएशन डाउनवर्ड होता है उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि आपको इंडिकेशंस हो, जरूरी नहीं कि आपको कुछ इंडिकेटर्स दिए जाएं, ठीक है ना। सो रीवैल्यूएशन डाउनवर्ड इज अ डिफरेंट थिंग एंड इंपेयरमेंट इज अ डिफरेंट थिंग। एक और इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, रीवैल्यूएशन डाउनवर्ड किसका होता है? पीपीई का? यस। इंटेंजिबल एसेट का? यस। क्या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का होता है? नहीं। जबकि अगर हम इंपेयरमेंट की बात करें तो इंपेयरमेंट किसका होता है? इंपेयरमेंट पीपी का होता है, यस। इंटेंजिबल का होता है, यस। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का होता है, यस। तो इंपेयरमेंट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का भी होता है, बट रीवैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नहीं होता। सर इन्वेंट्री का इंपेयरमेंट होता है? द आंसर इज नो, बिकॉज इन्वेंट्री इज मेजर्ड एट कॉस्ट एंड आरवी व्हिचएवर इज लोअर, ठीक है। तो सर पीपी और इंटेंजिबल एसेट में दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? मतलब रीवैल्यूएशन भी हो सकता है, इंपेयरमेंट भी हो सकता है। मैंने बोला हाँ दोनों हो सकता है, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों सर? इंपेयरमेंट तभी होगा जब इंपेयरमेंट के कुछ कंडीशंस फुलफिल होंगे तो ही, और रीवैल्यूएशन में कोई कंडीशंस नहीं है। रीवैल्यूएशन हर साल नहीं होता और इंपेयरमेंट के इंडिकेटर्स हर साल चेक करना जरूरी है। आइए शुरू करते हैं इंपेयरमेंट करना। इंपेयरमेंट का ये स्टैंडर्ड थोड़ा सा बड़ा स्टैंडर्ड है, हो सकता है शायद मुझे इस लेक्चर को दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़े। पहला पार्ट जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, और हो सकता है सेकंड पार्ट मैं आपके साथ नेक्स्ट डे लाइव जो कंडक्ट करूंगा वो रहेगा शायद, क्योंकि अगर मान लीजिए मुझे लगा कि यार बड़ा है, बड़ा सा जा रहा है और लाइव में ज्यादा हो सकता है हम कम्युनिकेट कर पाए, तो मैं एक ही पार्ट लेके फिर ओवरऑल वाइंड अप कर दूंगा। आइए देखते हैं कि इंपेयरमेंट के स्टैंडर्ड में क्या क्या बातें पढ़नी पड़ती हैं। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ता है कि ऐसे कौन से इंडिकेटर्स हैं जिनकी वजह से इंपेयरमेंट करना चाहिए। ऐसे कौन से इंडिकेटर्स हैं जिनकी वजह से इंपेयरमेंट हमें करना चाहिए। इंडिकेटर समझते हो कि कुछ आपको आइडिया जनरेट हो जाना कि यस ऐसा कोई इवेंट हो गया, अब मुझे लगता है कि मुझे अपने असेट का इंपेयरमेंट करना चाहिए। अब जब इंडिकेटर आया है तो हमें इंपेयरमेंट करना पड़ेगा। तो इंपेयरमेंट की कैलकुलेशन कैसे होती है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। दो चीजें, इंपेयरमेंट की कैलकुलेशन, ठीक है साहब। इंपेयरमेंट की कैलकुलेशन में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म की जरूरत पड़ती है विच इज कॉल्ड रिकवरेबल अमाउंट। ये रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकाला जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। उसके बाद अगले पेज पर आइए, ये स्टैंडर्ड थोड़ा सा बड़ा है। अच्छा, ये जो हम इंपेयरमेंट कर रहे हैं कैलकुलेशन कैसे होती है और उसका क्या होता है, उसी को लेकर हम बोल रहे हैं कि भाई ये इसकी कैलकुलेशन की, इंपेयरमेंट की कैलकुलेशन को अप्रोच कैसे करना है, उसको बोलते हैं इंपेयरमेंट टेस्टिंग। फिर हम पढ़ेंगे कि चलो ठीक है इंपेयरमेंट हो गया, किसी एसेट का इंपेयरमेंट कर लिया, अब उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। सो ट्रीटमेंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, ट्रीटमेंट यहाँ पर मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इंपेयरमेंट लॉस की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। और लास्ट कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस कि इंपेयरमेंट से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट मिसलेनियस प्रोविजंस लाइक उसके कारण कोई डीटीए डीटीएल का इंपैक्ट तो नहीं पड़ रहा, गुडविल का इंपेयरमेंट होगा कि नहीं होगा, राइट। ये स्टैंडर्ड कौन कौन सी असेट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, राइट। और भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। सो ये स्टैंडर्ड ओवरऑल ये कहता है, राइट। अगर मुझे लगता है कि मैं ये स्टैंडर्ड थोड़ा सा बड़ा जा रहा है तो मैं उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, बिकॉज मैं नहीं चाह रहा हूं किसी भी तरीके से कि 1 से 1.5 घंटे से ज्यादा सेशन हो, क्योंकि नहीं तो वो बोरिंग होने लगता है। तो मैं इस सेशन को हो सकता है शायद आधा रिकॉर्ड करके आपके सामने प्रोवाइड करूं, एडिट करना पड़ेगा, और फिर अगला सेशन हम लाइव लेंगे इसका। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो होती है, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो इस चीज की होती है कि ऐसे कौन से इंडिकेटर्स हैं जिनकी वजह से आप किसी असेट को इंपेयर करते हो। याद रखना इंपेयरमेंट का मतलब होता है असेट की वैल्यू को रिड्यूस करना, जिससे आपको लॉस बुक करना पड़ता है, क्योंकि आप असेट की वैल्यू को रिड्यूस करते हो तो लॉस होता है। तो ऐसे कौन से इंडिकेटर्स हैं जिनकी वजह से आप अपनी असेट का इंपेयरमेंट करते हो। तो इंडिकेटर्स के लिए क्या क्या बोला गया है ध्यान से देखिए। इंडिकेटर्स के लिए असेट को दो हिस्सों में बांटा गया है, फॉर असेट्स अदर देन इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट मतलब आपकी बैलेंस शीट में अगर कोई इन्वेस्टमेंट दिख रहा है आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है सब्सिडरी के में, एसोसिएट में, ज्वाइंट वेंचर में, तो वो भी तो एक एसेट है। तो सर क्या उसका भी इंपेयरमेंट होगा? द आंसर इज यस। तो उसका इंपेयरमेंट होगा, तो उसके कुछ सेपरेट इंडिकेटर्स हैं, उसके कुछ अलग इंडिकेटर्स हैं। तो उन इन्वेस्टमेंट्स को छोड़कर जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स हो गए, जो रिमेनिंग असेट्स हो गई, जैसे पीपीई, जैसे इंटेंजिबल असेट्स, जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल पीपीई, इंटेंजिबल असेट्स और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, आईपी। तो अगर इन असेट्स का मुझे इंपेयरमेंट करना है तो क्या इंडिकेटर्स होते हैं? बेटा कुल मिला के 7 इंडिकेटर्स होते हैं। कितने इंडिकेटर्स? 7। इन 7 इंडिकेटर्स को हम सब डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरीज में। पहला होता है एक्सटर्नल इंडिकेटर्स, दूसरा होता है इंटरनल इंडिकेटर्स। तो आइए पहला चलते हैं। पहला फर्स्ट इज एक्सटर्नल इंडिकेटर्स। एक्सटर्नल इंडिकेटर्स में सबसे पहले देखा हुआ है सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट। मार्केट वैल्यू होना चाहिए, मार्केट वैल्यू ऑफ असेट, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द मार्केट वैल्यू ऑफ असेट। इसका मतलब क्या? अगर आपको लगता है कि आपकी असेट की मार्केट वैल्यू सिग्निफिकेंटली कम हो गई है, सिग्निफिकेंट मतलब अच्छी खासी, अब जैसे मान लीजिए 2-4% कम हो गई, तो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट। मिनिमम आपको ऐसा लग रहा है कि यार 8-10% से वैल्यू गिर गई है मार्केट में, आपकी असेट की वैल्यू, मार्केट वैल्यू सिग्निफिकेंटली, मतलब एटलीस्ट 8-10%। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंट का कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है ना। मैनेजमेंट ये डिसाइड करता है कि उसके लिए 5% भी सिग्निफिकेंट है कि इनसिग्निफिकेंट है। मान लीजिए, मैं मान के चल रहा हूँ कि मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि यार उनके लिए 10% एक सिग्निफिकेंट फिगर है, उसके नीचे सिग्निफिकेंट नहीं है। तो अगर मान लीजिए असेट की वैल्यू 10% से नीचे गिर गई, 12% से नीचे गिर गई, 10% नीचे गिरना, 12% नीचे गिरना, कुछ ज्यादा ही वैल्यू गिर गई, तो एक ये इंडिकेटर है कि यार आज असेट की कैरिंग अमाउंट, मतलब बुक वैल्यू ज्यादा दिख रही है, हमें उसको कम करना चाहिए। तो पहला सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द मार्केट वैल्यू। दूसरा एडवर्स इफेक्ट ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, लीगल चेंजेस, इकोनॉमिकल चेंजेस, मार्केट चेंजेस। 4 प्रकार के चेंजेस होते हैं, है ना, 4 प्रकार के चेंजेस होते हैं। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो सकता है टेक्नोलॉजी बदल गई, आपकी एसेट पुरानी हो गई। लीगल चेंजेस, लीगल चेंजेस मतलब कुछ पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह चेंज होना। इकोनॉमिकल चेंजेस, मार्केट चेंजेस। इन चेंजेस के कारण मान लीजिए आपकी असेट के ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ा, जिससे आपकी असेट की वैल्यू गिर गई, ठीक है ना। तो ये भी एक इंडिकेटर है कि अगर मान लीजिए कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गए, नई टेक्नोलॉजी आ गई, नया टेक्नोलॉजी आ गया, नया इनोवेशन आ गए, नए सॉफ्टवेयर आ गए, आपके एसेट पुराने सॉफ्टवेयर पर बेस्ड है, पुराने इनोवेशंस पर बेस्ड है, सो दैट कैन बी एडवर्स इंपैक्ट ऑन योर बिजनेस। अगर आपके इन चेंजेस के कारण बिजनेस पर एडवर्स इंपैक्ट पड़ रहा है, तो ये एक इंडिकेटर है कि आपको अपनी एसेट को इंपेयर कर देना चाहिए। तीसरा, मार्केट इंटरेस्ट रेट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड। मार्केट इंटरेस्ट रेट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज, इससे क्या होगा? सर मार्केट इंटरेस्ट रेट मतलब आरबीआई रेट, आप यूं समझ सकते हो कि आरबीआई का रेट, आरबीआई का जो रेट होता है वो मान लीजिए सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गया। सर इससे क्या होगा? अगर मार्केट का रेट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं डिस्काउंटिंग रेट इंक्रीज होगा। डिस्काउंटिंग रेट आप जितना ज्यादा लोगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स, फ्यूचर बेनिफिट्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट, जो आपको उस असेट से मिलने वाले होंगे, उन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स की वैल्यू उतनी कम होगी। आप जितना डिस्काउंटिंग रेट बढ़ाओगे, ठीक है ना, और उसका डिस्काउंटिंग करोगे प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए बेनिफिट्स की, तो उतनी वैल्यू कम होगी। तो कहीं ना कहीं मार्केट रेट बढ़ा है, तो इसका मतलब बेनिफिट्स की जो प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी, उस असेट से मिलने वाले बेनिफिट्स की प्रेजेंट वैल्यू कम होगी। और चौथा, बुक वैल्यू ऑफ नेट असेट इज लोअर देन मार्केट वैल्यू। सर ये नेट असेट मतलब आपके पूरे कंपनी का जो नेटवर्थ है, वो बुक वैल्यू नेटवर्थ और जो मार्केट वैल्यू नेटवर्थ है, मार्केट वैल्यू नेटवर्थ आपका कम है, आपका बुक वैल्यू नेटवर्थ ज्यादा है, इसका मतलब आपकी बुक वैल्यू ऑफ असेट्स कुछ ओवर वैल्यूड है, जिनको गिराना चाहिए। अगर इन 4 में से कोई भी एक इंडिकेटर, एनी वन अगर इंडिकेटर आ गया, तो इसका मतलब आपको इंपेयरमेंट करना है अपनी असेट का, 4 में से कोई भी एक। अब आते हैं इंटरनल इंडिकेटर्स। ये इंटरनल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? इंटरनल इंडिकेटर्स में सबसे इंपॉर्टेंट, इंटरनल इंडिकेटर्स में 3 इंडिकेटर्स होते हैं। अब अच्छा, हमने एक्सटर्नल और इंटरनल बांटा क्यों? एक्सटर्नल मतलब जो ऐसे इंडिकेटर्स जो हमारे हाथ में नहीं है, जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जो मार्केट बेस्ड है, और इंटरनल इंडिकेटर्स मतलब जो एंटिटी बेस्ड है, जो हमारे अंदर, हमारे बिजनेस में हुए हैं कुछ। पहला, डैमेज और ऑब्सोलेंस ऑफ असेट। असेट डैमेज हो गई, एक्सीडेंट हो गया, असेट का ऑब्सोलीट हो गई, या फिर असेट डैमेज हो गई, असेट की वैल्यू डाउन हो गई, पहला। दूसरा एडवर्स इफेक्ट। सर एडवर्स इफेक्ट किसके ऊपर? इधर भी एडवर्स इफेक्ट था, एडवर्स इफेक्ट आपके बिजनेस के ऊपर। एडवर्स इफेक्ट ड्यू टू असेट इज आइडल। ऐसा हुआ कि लगातार 6 महीने तक आपकी असेट आपने काम में ही नहीं लिया, आपकी असेट आइडल रही। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, या तो आपने अपनी बिजनेस का डिसकंटिन्यूएशन कर लिया, आप अपने बिजनेस को बंद कर रहे हो, आप अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो, रीस्ट्रक्चरिंग करने की वजह से आपकी एसेट आइडल रही। प्लान टू डिस्पोज ऑफ द असेट, रीअसेसिंग द लाइफ फ्रॉम इनफिनाइट टू फाइनाइट। पहले आपने अपनी असेट को, असेट की लाइफ को इनफिनाइट किया हुआ था या तो इनडेफिनेट किया था, बट आपने अब उसको बोल दिया कि यार अब तो ये असेट की लाइफ भी गिर गई है, मुझे नहीं लगता कि ये असेट अब ज्यादा चलने वाली है। तो अगर इनमें से कुछ ऐसे इंडिकेटर्स आते हैं जिसकी वजह से आपके बिजनेस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, आपकी असेट बहुत दिन तक यूज ही नहीं हुई। क्यों यूज नहीं हुई है? क्योंकि भाई कोरोना आ गया, लगातार 5-6 महीने तक तो हमारा बिजनेस ही नहीं चला, तो असेट इज आइडल, बिजनेस पर इम्पैक्ट हुआ। एक काम करो, असेट को इंपेयर करके देखते हैं, ऐसा तो नहीं कि असेट की वैल्यू डाउन हो चुकी हो। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये इंडिकेटर आ गए तो इसका मतलब असेट की वैल्यू डाउन हो ही गई होगी। इंडिकेटर्स आए हैं तो आपको एक कहीं ना कहीं होता है ना कि एक इंडिकेशन मिल जाना कि यार चेक कर लो, ऐसा तो नहीं कि एसेट की वैल्यू डाउन हो गई है। तो ये जस्ट इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स का मतलब ये नहीं कि एसेट को इंपेयरमेंट करना ही पड़ेगा। इंडिकेटर्स आए हैं तो पहले चेक कर लो कि एसेट के ऊपर इंपेयरमेंट होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उसी को बोलते हैं इंपेयरमेंट टेस्टिंग, जिसको मैं यहां पर डिस्कस करूंगा, इंपेयरमेंट टेस्टिंग। तो बेसिकली ये इंडिकेटर्स किस चीज के लिए हैं? ताकि चेक कर लो कि असेट का इंपेयरमेंट तो नहीं करना। और लास्ट है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द असेट इज वर्स। नाउ व्हाट इज दिस? आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपकी असेट 1 लाख यूनिट्स पर मंथ प्रोडक्शन करेगी, बट आपकी असेट प्रोडक्शन कर रही है 60,000 यूनिट्स पर मंथ। इट इज एक्चुअली अ वर्स परफॉर्मेंस। 1 लाख आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, 90,000 परफॉर्मेंस कर रही है, 95,000 परफॉर्मेंस कर रही है, समझ में आता है। अचानक से 60,000 का प्रोडक्शन कर रही है, मतलब डेफिनेटली आपके एसेट की एफिशिएंसी भी बहुत ही ज्यादा नीचे गिर चुकी है। चेक कर लो, ऐसा तो नहीं कि एसेट को इंपेयरमेंट करना पड़े। तो ये क्या है? ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो ये बताते हैं कि शायद एसेट की वैल्यू डाउन हो चुकी है। बेहतर होगा कि आप अपना इंडिकेशन आपको मिल गया है तो आप चेक कर लीजिए कि यार असेट को मुझे इंपेयर तो नहीं करना चाहिए। सिर्फ चेक करने को बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप इंपेयरमेंट कर ही दीजिए। ये इंडिकेटर्स बोलते हैं कि चेक कर लीजिए कि क्या असेट इंपेयर होनी चाहिए। तो कुल मिला के 7 इंडिकेटर्स है। पहला एक्सटर्नल, दूसरा इंटरनल। इंटरनल में 3 है, असेट इज डैमेज्ड और ऑब्सोलीट, दूसरा एडवर्स इफेक्ट ड्यू टू असेट इज आइडल, आपकी एसेट आइडल रही, या तो फिर आपने बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर दिया, या तो फिर आपका रीस्ट्रक्चरिंग हो गया बिजनेस का, राइट? आप अपनी एसेट की लाइफ को रीअसेस कर रहे हो, उसकी लाइफ कम हो गई, ठीक है ना? बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। या तो फिर अपनी आपके एसेट का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द एसेट इज वर्स्ट देन एक्सपेक्टेड, जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उससे कम है। सो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो ये बताते हैं कि आपको अपनी एसेट का इंपेयरमेंट चेक करना चाहिए। अच्छा सर, ये क्या है? इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर, ये भी तो एक एसेट है। आपकी बुक्स में अगर दिख रहा है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, तो ये आपकी एसेट है। इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर, ये भी आपकी एसेट है। तो क्या इस इन्वेस्टमेंट का भी इंपेयरमेंट हो सकता है? यस, हो सकता है, बट उसके लिए कुछ सेपरेट इंडिकेटर्स हैं। कौन से इंडिकेटर्स हैं? कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसएफएस ऑफ पैरेंट कंपनी, मतलब होल्डिंग कंपनी, इज मोर देन कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी व्हिच आर इंक्लूडेड इन द सीएफएस ऑफ पैरेंट। ध्यान से इस पॉइंट को पढ़िए, मैं आपको कुछ सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं, ध्यान से इस पॉइंट को पढ़िए, फिर अपन सब समझते हैं। कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन एसएफएस ऑफ पैरेंट इज मोर देन कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी व्हिच आर इंक्लूडेड इन द सीएफएस ऑफ पैरेंट्स। सी, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी या इन्वेस्टमेंट इन जेवी एसोसिएट, बेसिकली मैं ये बोल रहा हूं कि एक होल्डिंग कंपनी है और होल्डिंग कंपनी के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बैलेंस शीट में क्या दिख रहा है? दिख रहा है इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए ये इन्वेस्टमेंट दिख रहा है 1 लाख। ये इन्वेस्टमेंट क्या शो करता है? आपने अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन पढ़ा है तो इन्वेस्टमेंट हमेशा शो करता है कि आपका इंटरेस्ट है सब्सिडरी के नेट एसेट्स में। अब मान लीजिए आपकी एक सब्सिडरी कंपनी है और सब्सिडरी कंपनी के जितने भी नेट एसेट्स हैं, मान लीजिए आपने अपनी सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट्स से फॉर एग्जांपल 2 लाख, ठीक है ना? अब यहां क्या लिखा है, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसएफएस ऑफ पेरेंट इज मोर, ठीक है ना। अब मान लीजिए कहां गया, मान लीजिए नेट असेट्स हैं, नेट असेट्स आर 1,20,000 एंड आपकी जो सब्सिडरी है बेसिकली आपका इन्वेस्टमेंट है 80%, तो 120 का 80% कितना होगा, इसका अगर आप 80% करेंगे तो कितना होगा 96। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि यार सब्सिडरी के जो नेट असेट्स हैं जिनको आपने अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शामिल किया है उसका प्रोपोर्शनेट वैल्यू जो आपका शेयर बनता है वो 96 बनता है, जबकि आपने जो इन्वेस्टमेंट ओरिजिनली किया था वो 1,00,000 रुपए का किया था। इसका मतलब आपने 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, जबकि आपका जो शेयर है सब्सिडरी के नेट असेट्स में वो सिर्फ आज 96 रह गया है। मतलब आपने जो कॉस्ट लगाई हुई है वो ज्यादा लगाई हुई है, उसके बदले जो आपको रिटर्न दिख रहा है, आपको जो वैल्यू दिख रही है वो बहुत ही कम दिख रही है। ये एक इंडिकेटर दिख सकता है जहां पर आप अपने इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कर सकते हो, आप अपने इन्वेस्टमेंट को राइट ऑफ कर सकते हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये आपका ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है और ये सब्सिडरी के नेट असेट्स है। सब्सिडरी के नेट असेट्स में किसका हक होता है, किसका कंट्रोल होता है, होल्डिंग का। वैसे ये सब्सिडरी है तो हो सकता है एसोसिएट, हो सकता है ज्वाइंट वेंचर हो, तो सब्सिडरी के या एसोसिएट के या ज्वाइंट वेंचर के प्रोपोर्शनेट नेट असेट्स आपको देखने हैं कि वो इन्वेस्टमेंट के कितने बराबर है। अगर वो इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू से कम है, मतलब ये एक इंडिकेटर है कि हो सकता है आपके अपने इन्वेस्टमेंट को कम करना पड़े, रिड्यूस करना पड़े, ठीक है। और दूसरा इंडिकेटर क्या है, डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय सब्सिडरी इज द हायर देन टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ द सब्सिडरी। बॉस, सब्सिडरी ने पूरे साल भर में 2,00,000 रुपए का प्रॉफिट अर्न किया, जबकि सब्सिडरी ने डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया, सब्सिडरी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया 3,00,000 रुपए। यार ऐसे कैसे हो सकता है, सब्सिडरी ने प्रॉफिट अर्न किया 2,00,000 रुपए का, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मतलब सब्सिडरी की टोटल इनकम साल भर की 2,00,000 रुपए है, जबकि सब्सिडरी ने डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया, सब्सिडरी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया 3,00,000 रुपए। मुझे बताइए डिविडेंड हमेशा कौन डिक्लेयर करता है? सर डिविडेंड डिक्लेयर करता है शेयर होल्डर्स, मतलब सब्सिडरी के शेयर होल्डर्स ने डिक्लेयर किया होगा। अब सब्सिडरी के शेयर होल्डर में कौन बैठा होगा, मेजरली पेरेंट कंपनी, क्योंकि पेरेंट कंपनी का कंट्रोल है। तो टेक्निकली क्या हुआ, पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी से डिविडेंड डिक्लेयर करवा दिया कितना, 3,00,000 रुपए, जबकि सब्सिडरी ने प्रॉफिट कितना अर्न किया, सिर्फ 2,00,000 रुपए। हो सकता है सब्सिडरी मान लीजिए लॉस मेकिंग हो और पेरेंट देखो तो पेरेंट डिविडेंड डिक्लेयर करवा रहा है, क्यों? हो सकता है पेरेंट का इंटेंशन हो कि यार सब्सिडरी तो भैया प्रॉफिट डिक्लेयर कर नहीं, प्रॉफिट तो कुछ ऑन कर नहीं रही, एक काम करो जितना पैसा मैंने लगाया है वो डिविडेंड के रूप में वापस से निकलवा लेते हैं, क्योंकि मेरा तो वैसे ही कंट्रोल है। तो यहाँ एक दिख रहा है कि हो सकता है शायद इंटेंशन पेरेंट का कि यार सब्सिडरी कंपनी की वैल्यू तो वैसे ही हालत खराब है, सब्सिडरी कंपनी की बिजनेस की बैंड बजी पड़ी है, एक काम करता हूं मैं डिविडेंड के थ्रू पैसा निकलवा लेता हूं। सो ये भी एक इंडिकेटर है कि ऐसा तो नहीं कि सब्सिडरी कंपनी का बिजनेस डाउन हो रहा है जिसकी वजह से उसकी असेट का इंपेयरमेंट करना चाहिए। थोड़ा सा इनडायरेक्ट लिंक समझो, सब्सिडरी कंपनी अगर डिविडेंड ज्यादा से ज्यादा डिक्लेयर करेगी, अपने प्रॉफिट से ज्यादा डिक्लेयर करेगी, प्रॉफिट से ज्यादा, बात ये नहीं कि आप ज्यादा डिक्लेयर करो, आप कितना भी डिक्लेयर करो, आप करोड़ों में डिक्लेयर करो कोई दिक्कत नहीं, पर जितना प्रॉफिट कमाया उससे कम ही करते हो ना, जनरली आपकी हद में रहते हो। अब प्रॉफिट है नहीं, लॉस में हो पर आप डिविडेंड दे रहे हो, या जितना प्रॉफिट किया उससे ज्यादा डिविडेंड दे रहे हो, ये क्या तरीका होगा? कहीं ना कहीं पेरेंट का ही कंट्रोल है उस पर, तो पेरेंट ही डिविडेंड डिक्लेयर करवा रहा होगा, पेरेंट अपना पैसा निकलवा रहा है। हो सकता है सब्सिडी का बिजनेस बंद होने वाला है, मतलब हो सकता है उसकी एसेट को इंपेयर करना पड़े। सो गाइस दीस टू, इसमें भी आपका और है, मतलब एनीवन, these two are the indicators, separate indicators for the investment in subsidiary, associate, joint venture. So try to understand। अच्छा ये जो second वाला है वो सिर्फ और सिर्फ subsidiary के लिए है, associate, joint venture में हमारा control नहीं होता, but first वाला जो है, first वाला सबके लिए रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये indicators हैं आपके impairment के indicators हैं। सर ये दूसरा क्या है, reversal of impairment। बेटा मैं reversal of impairment अभी नहीं समझाऊंगा, वो आ जाएगा Part 2 of इंडियस 36 का जो Part 2 रहेगा उसमें हम रिवर्सल की बात करेंगे। अभी पहले हम ये तो समझ लें कि इम्पेयरमेंट होता क्या है, फिर हम समझेंगे कि रिवर्सल क्या होता है। चलिए अब आते हैं, हमने क्योंकि देख लिया कि इम्पेयरमेंट क्या होता है, अब हम आते हैं कि इम्पेयरमेंट की कैलकुलेशन कैसे होती है, इम्पेयरमेंट को कैसे कैलकुलेट करना पड़ता है। उसमें भी दो चीजें हैं, इम्पेयरमेंट लॉस और दूसरा रिवर्सल। तो अभी हम रिवर्सल नहीं पढ़ रहे हैं, रिवर्सल हम बाद में पढ़ेंगे। इम्पेयरमेंट लॉस की कैलकुलेशन कैसे होती है, इम्पेयरमेंट लॉस की कैलकुलेशन के लिए चाहिए होती है आपको दो चीजें। कौन सी दो चीजें? आपको इम्पेयरमेंट लॉस की कैलकुलेशन के लिए दो चीजें चाहिए होती है। कौन सी दो चीजें? पहला कैरिंग अमाउंट और दूसरा रिकवरेबल अमाउंट। सर कैरिंग अमाउंट मतलब बुक वैल्यू, कैरिंग अमाउंट मतलब बुक वैल्यू। अच्छा एक बात बताइए सर, इम्पेयरमेंट कब लगाया जाता है? हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पेयरमेंट लगाया जाता है बैलेंस शीट डेट पर। अच्छा सर सर इम्पेयरमेंट बैलेंस शीट डेट पर लगाते हैं तो सर डेप्रिसिएशन के पहले लगाते हैं कि डेप्रिसिएशन के बाद में लगाते हैं? बेटा डेप्रिसिएशन के बाद में लगाते हैं। पहले आपको अपनी एसेट को डेप्रिशिएट करना होता है टिल बैलेंस शीट, उसके बाद आप चेक करते हो कि अब इम्पेयरमेंट लगाना चाहिए कि नहीं। सो कैरिंग अमाउंट मतलब करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वैल्यू, करंट ईयर का करंट ईयर डेप्रिसिएशन आफ्टर डिडक्टिंग, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। और रिकवरेबल अमाउंट, सर ये रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है? बस उसी के बारे में अपने को पढ़ना है कि ये रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है। आइए बेटा रिकवरेबल अमाउंट आपको कंपेयर करना है, आपको इंपेयरमेंट लॉस जब निकालना है तो आपको कैरिंग अमाउंट लेस रिकवरेबल अमाउंट। मान लीजिए मैंने बोला कि कैरिंग अमाउंट मान लीजिए 100 रुपए है और रिकवरेबल अमाउंट है 90 रुपीज, तो 10 रुपीज होगा आपका लॉस। कौन सा लॉस? इंपेयरमेंट लॉस। 10 रुपीज होगा आपका इंपेयरमेंट लॉस। आई मेरी बात समझ में? तो अब ये रिकवरेबल अमाउंट मतलब क्या? नाम से ऐसा लग रहा है कि अगर मैं असेट से आज पैसा रिकवर करना चाहूं आज ही के दिन तो मुझे कितना रिकवर होगा। बात भी सही है कि असेट आज 100 रुपए की दिख रही है, जबकि अगर मैं रिकवर करना चाहूं असेट से पैसा तो आज 90 रुपीज से ज्यादा रिकवर नहीं हो पाएगा। तो 10 रुपए बेवजह ज्यादा दिख रहे हैं असेट के। एक काम करो, असेट को इम्पेयर कर दो। क्यों इम्पेयर कर दो? क्योंकि हमें कुछ इंडिकेटर्स मिले हैं जिन इंडिकेटर्स की वजह से ये समझ में आ रहा है कि असेट का आज इम्पेयरमेंट होना चाहिए शायद, तो इसीलिए हमने टेस्टिंग किया। आई बात समझ में कि नहीं? अच्छा, अब हम बात करते हैं रिकवरेबल अमाउंट की। ये रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है? रिकवरेबल अमाउंट समझने के लिए आपको दो और चीजें समझनी पड़ेंगी। पहला वैल्यू इन यूज और दूसरा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल या कॉस्ट टू डिस्पोज। पहला वैल्यू इन यूज, दूसरा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोज। अब एक बात सोचो, इन्वेंट्री का तो इंपेयरमेंट कभी होता ही नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब इंपेयरमेंट किसका किसका होता है? इंपेयरमेंट होता है पीपीई का, आईपी का, इंटेंजिबल का और दूसरे इन्वेस्टमेंट्स का। एक बात बताओ, इन सबका जब इंपेयरमेंट हम करना चाह रहे हैं, ये जितने भी असेट्स हैं, ये असेट आज अगर आप इंपेयरमेंट करना चाह रहे हो, छोड़ो भाड़ में जाए इंपेयरमेंट, आप इन असेट्स का क्या कर सकते हो? जब आपको मालूम पड़े कि यार आपको मालूम पड़े कि यार अगर मैं इसको यूज करूंगा, यूज करने से जितना बेनिफिट मिलेगा उससे ज्यादा बेनिफिट आज इस एसेट को बेचने से हो जाएगा। मतलब आज मैं इस एसेट को या तो यूज करूं, उससे कुछ बेनिफिट मिलेंगे, या तो मैं उसको बेच दूं, उससे कुछ बेनिफिट मिलेंगे। ज्यादा बेनिफिट किसमें मिलेंगे? जहां ज्यादा होगा हम उस चीज को चूज करेंगे। सीधी बात है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं हर चीज पे। जैसे मान लीजिए मैं इस बॉटल की बात करूं, मैं बोलूं यार ये बॉटल पुरानी हो गई है, ये बॉटल पुरानी हो गई है, तो क्या ये बॉटल को आगे और यूज करने से मुझे ज्यादा फायदा मिलेगा कि इस बॉटल को मैं बेचूं और मैं नई बॉटल खरीदूं? उससे मुझे ज्यादा फायदा मिलेगा। बॉटल बेचने से ज्यादा पैसा मिलेगा कि यूज करने से ज्यादा पैसा मिलेगा? मेरे पास आज एक कार है, मैं बोल रहा हूँ यार कार बहुत पुरानी हो गई है, 4 साल पुरानी हो गई है, मैं इस कार को बेच दूं, कितने पैसे मिलेंगे? 4 लाख रुपए मिलेंगे। अच्छा, पर अगर मैं इस कार को यूज करता हूँ तो ये कब तक चलेगी? मैंने बोला यार 4 साल पुरानी हो चुकी है, मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं 4 साल और चलाऊंगा कार को, तो क्या 4 साल में मुझे 4 लाख तक के बेनिफिट या उससे ज्यादा मिल पाएंगे क्या? मैंने बोला आराम से, तो ठीक है काम करते हैं, मैं एसेट को नहीं बेचता, मैं उसको यूज करता हूँ। तो हमेशा हमारा ह्यूमन टेंडेंसी यही होती है कि किसी भी एसेट को या तो बेचो या तो यूज करो, जहां ज्यादा बेनिफिट हो रहा है वो चीज करो। रिकवरेबल अमाउंट उसी बेस्ड पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। रिकवरेबल अमाउंट बोलता है हायर ऑफ, हायर ऑफ क्या? वैल्यू इन यूज, फेयर वैल्यू, कॉस्ट, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब ये क्या है? वैल्यू इन यूज मतलब अगर तू अपनी असेट को आज से लेकर इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ तक यूज करेगा तो तेरे को कितने कैश इनफ्लोज होंगे, उनकी प्रेजेंट वैल्यू, उनकी प्रेजेंट वैल्यू, तेरे को कितने कैश इनफ्लोज होंगे। वैल्यू इन यूज मतलब आज अगर तू ये डिसाइड करे कि तू अपनी असेट को यूज करेगा फॉर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ तो तेरे को कितने कैश इनफ्लोज होंगे, उस कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू। दूसरा फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल मतलब अगर तू आज अपनी एसेट को बेच दे, डिस्पोज ऑफ कर दे, तो तेरे को आज कितना पैसा मिलेगा, लेस सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हो सकते हैं। मतलब जैसे हम इन्वेंट्री में एनआरवी निकालते थे, वैसे यहां पर हम फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। कि अगर मैं आज अपने एसेट को बेच दूं तो मुझे कितना कैश इनफ्लो आज ही के दिन मिल जाएगा माइनस कॉस्ट टू सेल, मतलब सेलिंग एक्सपेंस कितने होंगे। अब दोनों केसेस को फिर से सुनो। वैल्यू इन यूज मतलब अगर मैं आज अपने एसेट को यूज करता हूं तो फ्यूचर में मुझे कितने कैश इनफ्लोज होंगे उनकी प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि वो फ्यूचर में होंगे। तो इसका मतलब उधर मुझे डिस्काउंटिंग रेट लगेगा क्योंकि मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बट दूसरा, अगर मैं आज अपने एसेट को बेच देता हूं तो आज ही के दिन मुझे कितना रिकवर हो जाएगा माइनस एक्सपेंसेस, तो आज यहां पर मुझे डिस्काउंटिंग रेट लगाने की जरूरत नहीं। दोनों में जो ज्यादा होगा इट इज कॉल्ड रिकवरेबल अमाउंट। तो रिकवरेबल अमाउंट इज अ हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोज। अब दोनों को समझते हैं। पहले समझते हैं अपन वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज डिपेंड्स ऑन, वैल्यू इन यूज का मतलब क्या है? वैल्यू इन यूज का मतलब है कि मतलब आपको फ्यूचर के कैश इनफ्लोज को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, प्रोजेक्शन करना पड़ेगा, आपको फ्यूचर के कैश इनफ्लोज को एस्टिमेट करना पड़ेगा और उसके बाद आप उसकी डिस्काउंटिंग करोगे। सो बेसिकली आपको चाहिए वैल्यू इन यूज के लिए दो चीजें, पहला प्रोजेक्टेड कैश इनफ्लोज और दूसरा आपको चाहिए डिस्काउंटिंग रेट। प्रोजेक्टेड कैश इनफ्लोज को आप कैसे एस्टिमेट करोगे, हाउ टू एस्टिमेट, आप कैश इनफ्लोज को कैसे एस्टिमेट करोगे। कैश इनफ्लोज को एस्टिमेट करने के लिए आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहला, रीजनेबल एंड सपोर्टेबल अजम्पशंस ऑफ मैनेजमेंट। जब भी आप कैश इनफ्लोज एस्टिमेट करोगे तो आपका एस्टिमेशन रीजनेबल होना चाहिए। रीजनेबल का मतलब कि आप अपने पास्ट को देखोगे कि यार आज तक आपकी असेट ने आपको कितना बेनिफिट दिया है। आपने देखा यार आज तक आपकी असेट हर साल 2-2 लाख का प्रोडक्शन करती आई है, ठीक है ना, ऑन एन एवरेज हर साल 2 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन करती है। अब आप जब कैश फ्लो एस्टिमेट कर रहे हो तो आप एस्टिमेट कर रहे हो कैश फ्लो बेस्ड ऑन 4 लाख प्रोडक्शन। ये तो यार इररीजनेबल है, ये अनरीजनेबल चीज है ना। मतलब आपका पास्ट ये रहा है कि आप लगभग ऑन एन एवरेज 2 लाख का प्रोडक्शन करते हो हमेशा, बट जब आप फ्यूचर का कैश इनफ्लो निकाल रहे हो तो फ्यूचर का कैश इनफ्लो निकाल रहे हो बेस्ड ऑन द 4 लाख प्रोडक्शन। ऐसे कैसे, ये रीजनेबल कैसे हुआ? आपके पास कोई इसके लिए एविडेंस है? सो बेसिकली रीजनेबल एंड सपोर्टेबल अजम्पशंस, मतलब वो अजम्पशंस लो कैश फ्लो को एस्टिमेट करने के लिए जो रीजनेबल हो और या तो आप जिसके लिए कुछ सपोर्टिव एविडेंस दिखा सको। दूसरा, ग्रेटर वेट टू एक्सटर्नल एविडेंसेस। अब मान लीजिए आप बेस्ड ऑन सम एविडेंस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी असेट से आपको फ्यूचर में कितना कितना बेनिफिट मिलेगा बेस्ड ऑन सम एविडेंसेस। मान लीजिए आपका इंटरनल, आपने अभी देखा कि यार इंटरनली मैंने देखा कि मेरा लास्ट ईयर्स में मेरा कितना प्रोडक्शन हुआ है, मैं उस बेसिस पर असम्पशन ले रहा हूँ। ठीक है, ये जो आपका लास्ट ईयर का जो बेसिस है वो सही है, पर वो कहीं ना कहीं एक इंटरनल बेसिस है, कोई और दूसरा बेसिस है क्या? मैंने हाँ, मुझे ना कुछ इम्पोर्ट ऑर्डर्स आए हैं, मतलब मेरे को एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आए, सॉरी, मतलब मुझे एक्सपोर्ट करना है, मुझे कुछ ऑर्डर्स आए। अच्छा, क्या ऑर्डर्स आए? मुझे ना गुड्स, अगर मैं आज अपनी एसेट को कंटिन्यू यूज करता हूं तो इससे प्रोडक्शन होगा, वो प्रोडक्शन करके मैं अपने एक्सपोर्ट करूंगा फ्यूचर में। तो वो आपके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कितने यूनिट्स के आए? तो बेसिकली अब आपके पास एस्टिमेट करने के लिए दो बेसिस हो गए, एक तो एक्सपोर्ट ऑर्डर जो आपको अपने कस्टमर से मिला है और दूसरा पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है कि हर साल हम अपने इन्वेंट्री का हम हर साल 2 लाख का प्रोडक्शन करते हैं अपनी इस असेट से, जिस असेट को इम्पेयरमेंट करना चाह रहे हैं। और एक्सटर्नल एविडेंस कहता है कि मुझे आने वाले 3 साल तक मुझे एक एक्सपोर्ट ऑर्डर आया है, हर साल मुझे 1-1 लाख यूनिट्स एक्सपोर्ट करना है। ग्रेटर वेट टू एक्सटर्नल एविडेंसेस, जो एक्सटर्नल एविडेंसेस होते हैं जिनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है वो ज्यादा ठोस होते हैं, वो ज्यादा सही होते हैं। तो अगर आप कुछ भी बेसिस ले रहे हो कैश फ्लो को प्रोजेक्ट करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए, उसके लिए एक्सटर्नल एविडेंसेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है बजाय इंटरनल एविडेंसेस को, क्योंकि एक्सटर्नल एविडेंसेस ज्यादा सही हो सकते हैं। तीसरा, टेक मोस्ट रीसेंट फाइनेंशियल फोरकास्ट अप्रूव्ड बाय द मैनेजमेंट। हाँ, जब आप कैश फ्लो प्रोजेक्ट करोगे तो आप अगर चाहो तो जो भी आपने रिसेंट फोरकास्ट किया है, फाइनेंशियल बजट बनाया है, आप उनका भी सहारा ले सकते हो। प्रोजेक्शन नॉट मोर देन 5 इयर्स अनलेस एविडेंस्ड। और कुछ भी हो जाए, आप जो भी कैश फ्लो प्रोजेक्ट करोगे, एस्टिमेट करोगे, वो आने वाले 5 साल का ही प्रोजेक्शन होना चाहिए अगर आपके पास और कोई एविडेंस नहीं है तो। मतलब आप बिना किसी एविडेंस के अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप 5 साल से ऊपर का एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। मतलब भले आपकी एसेट की रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 8 साल क्यों ना हो, पर आप सिर्फ 5 साल का प्रोजेक्शन ही एस्टिमेट करोगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आप जब भी वैल्यू इन यूज निकालते हो तो आपको चाहिए होता है फ्यूचर की कैश इनफ्लोस। फ्यूचर की कैश इनफ्लोस के लिए आपको ये चारों चीजें ध्यान रखनी है कि फ्यूचर की कैश फ्लोस एस्टिमेट करने के लिए 4 बातें होनी चाहिए। अब आते हैं डिस्काउंटिंग रेट। डिस्काउंटिंग रेट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंटिंग रेट मतलब जिससे आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे। डिस्काउंटिंग रेट क्या मान के चलता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर करके चलता है एंड इस रिस्क स्पेसिफिक टू द असेट। हाँ, डिस्काउंटिंग रेट वो लो जो उस असेट के लिए सही है। हो सकता है डिफरेंट असेट्स के लिए डिफरेंट डिस्काउंटिंग रेट हो जाए। हो सकता है पीपीई मशीन्स के लिए डिस्काउंटिंग रेट हो सकता है सिर्फ 8%, ठीक है, जबकि यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग की बात करें तो लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर आपका सीधी बात है। देखो, हमने एक वर्ड पढ़ा है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या ROA, रिटर्न ऑन असेट्स। तो हर असेट के ऊपर अलग अलग रिटर्न होता है। तो वैसे ही आपका जिस असेट की बात चल रही है उसी असेट की स्पेसिफिक में, उसी असेट की रिस्क को ध्यान में रखते हुए डिस्काउंटिंग रेट चूज करिए। व्हेन असेट स्पेसिफिक रेट इज नॉट अवेलेबल देन कंसीडर द फॉलोइंग। अगर आपको रेट नहीं मिल रहा है, उस असेट के स्पेसिफिक आपको रेट नहीं मिल रहा है, तो यू कैन कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैक, और यू कैन टेक इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट। अब आप बोलोगे सर इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट मतलब? इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट का मतलब ये होता है, ये इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट का मतलब होता है कि मान लीजिए आज मेरी कंपनी में 3 अलग अलग बोरिंग्स चल रही है, 3 अलग अलग लोन चल रहे हैं, SBI से, ICICI से और HDFC से, ठीक है ना, अलग अलग रेट्स पर चल रही है। ठीक है, आज अगर मैं एक नया और एक और लोन लेने जाऊं मार्केट में तो मुझे कितना परसेंटेज पर लोन मिलेगा? ऑब्वियसली वो परसेंटेज कंपैरेटिवली हायर होगा क्योंकि मेरी कंपनी में ऑलरेडी लोन चल रही है। तो जो बैंक मुझे लोन देगी वो ऑब्वियसली देखेगी कि मेरा प्रोफाइल क्या है, मेरे पास ऑलरेडी 3 और लोन चल रहे हैं, हालांकि मेरी मेरी स्थिति अच्छी है, मेरी पोजीशन बहुत अच्छी है, मेरी पोजीशन, नेट असेट पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, बट स्टिल बैंक विल कंसीडर कि यार ऑलरेडी कंपनी के पास 3 लोन चल रहे हैं, चौथा लोन हम दे रहे हैं, तो डेफिनेटली बैंक विल चार्ज हायर इंटरेस्ट। उसको कहते हैं इंक्रीमेंटल लोन, कि अगर आज तू एक नया लोन लेने जाए, तू लोन ले नहीं रहा है, पर अगर तू नया लोन लेने जाए तो तेरे को कितने परसेंटेज पर लोन मिलेगा, दैट परसेंटेज विल बी ट्रीटेड एज योर डिस्काउंटिंग रेट। और तीसरा, अदर मार्केट बोरिंग रेट। आप अगर इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट भी आपको नहीं मिल रहा तो आप अदर मार्केट बोरिंग रेट ले सकते हो। सर फिर से बताइए क्या है? डिस्काउंटिंग रेट अज्यूम करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर करनी चाहिए और आपको उस पर्टिकुलर, जिस असेट के लिए आप डिस्काउंटिंग रेट निकाल रहे हो, उस असेट का रिस्क ध्यान में रखते हुए डिस्काउंटिंग रेट निकालना चाहिए। बट अगर आप वो नहीं कर सकते हो तो आप डिस्काउंटिंग रेट अज्यूम कर सकते हो, वैक, या फिर इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट, या फिर अदर मार्केट बोरिंग रेट्स। So now this was the value in use. Value in use मतलब आज अगर मैं asset को use करता हूं तो minimum 5 साल, minimum या maximum 5 साल तक मुझे कितने future के cash inflows मिलेंगे, उसका present value। अब आते हैं how to estimate fair value less cost to dispose। ये बहुत ही interesting चीज है, ध्यान से देखिएगा। Fair value less cost to dispose का मतलब क्या हुआ? Fair value less cost to dispose का मतलब ये हुआ कि अगर आज मैं अपनी asset को sale कर देता हूं, तो सेल करने से मुझे कितना पैसा रिकवर होगा, फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू का डेफिनेशन यही होता है कि अगर आज मैं अपनी एसेट को मार्केट में बेच देता हूं तो आज मुझे कितना पैसा रिकवर होना चाहिए माइनस कितना सेलिंग एक्सपेंसेस होंगे। इसके लिए मुझे अब एस्टिमेट करना पड़ेगा, अभी मैंने बेचा थोड़ी है, इसके लिए मुझे कैसे एस्टिमेट करना पड़ेगा, मैं ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोज एस्टिमेट कैसे करूं? चेक बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट। आप ये देखिए कि क्या आपका कोई किसी थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट तो नहीं हो चुका है ऑलरेडी कि एसेट बेचनी है। अगर ऐसा कोई सेल एग्रीमेंट है और वो बाइंडिंग है आपके ऊपर कि यार वो एग्रीमेंट तो आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा, तो उससे बेस्ट एविडेंस कुछ और नहीं है। उस एग्रीमेंट में जो भी वैल्यू लिखी आ रही है, दैट वैल्यू यू कैन कंसीडर एज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोज। अगर आज आपने कोई पहले से ही एग्रीमेंट करके रखा है कि आप इस असेट को बेचोगे आगे चल के, तो कितने में बेचोगे, That value will be known as the fair value less cost to sale. अब ऐसा थोड़ी होता है कि हर केस में हमारा बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट हो। मेरे पास पहले से ही एक एग्रीमेंट है कि मैं थर्ड पार्टी को बेचूंगा एसेट, ऐसा जरूरी नहीं कि हो। अगर ये अवेलेबल नहीं है, चेक एक्टिव मार्केट एंड आइडेंटिफाई करंट बिड प्राइस ऑफ द एसेट। चलो आप माना कि आपके पास कोई बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट नहीं है, कोई बात नहीं, आप ये चेक कर लो कि जिस असेट की बात चल रही है उसका कोई एक्टिवली मार्केट है कि नहीं, उस असेट का कोई मार्केट है, हाँ मार्केट है, उस मार्केट से उस असेट का करंट बिड प्राइस ले लो। बिड प्राइस मतलब आज अगर उस मार्केट में जाके असेट को बेचा जाए तो आज असेट कितने में बिकनी चाहिए, बिड प्राइस मतलब आज असेट के ऊपर कितने की बोली लगनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड करंट बिड प्राइस। सर वो भी अवेलेबल नहीं है, मतलब आज असेट का कोई मार्केट भी नहीं है, और अगर मार्केट है भी तो उस मार्केट में हमें प्राइस नहीं मालूम पड़ रहा, करंट कोई रीसेंट बिड प्राइस नहीं है, कोई बात नहीं। प्राइस फ्रॉम द मोस्ट रीसेंट ट्रांजैक्शन फ्रॉम एक्टिव मार्केट। एक काम करो, अगर आप उस असेट का मार्केट है पर उस असेट के मार्केट में से करंट बिड प्राइस आप नहीं निकाल सकते, तो आप ये चेक कर लो कि उसी मार्केट में लास्ट टाइम उसी टाइप की कोई असेट कब बिकी थी, आज से 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले, 1 साल पहले, मतलब मोस्ट रीसेंट ट्रांजैक्शन देख लो कि ऐसी सिमिलर टाइप की असेट कितने में बिकी थी। जितने में भी बिकी होगी दैट प्राइस विल बी कॉल्ड एज फेयर वैल्यू। आपको बहुत अलग अलग चीजें बता रहा है कि फेयर वैल्यू कैसे एस्टिमेट करोगे। पहला, आप चेक कर लो कि कोई बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट है क्या आपके साथ, आपका ही कोई बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट है क्या किसी थर्ड पार्टी के साथ असेट को बेचने का। अरे बढ़िया, सबसे बढ़िया है कि 6 महीने बाद आप असेट तो वैसे ही बेचने वाले हो या 1 साल बाद आप बेचने वाले हो, कितने बेचने वाले हो उसी प्राइस को ले लो फेयर वैल्यू। वो कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई बात नहीं, आज असेट का एक्टिव मार्केट देख लो, एक्टिव मार्केट में से उसका करंट बिड प्राइस ले लो, करंट बिड प्राइस भी नहीं मिलेगा, चलो कोई बात नहीं। उसी मार्केट में आपकी आपके जैसी सिमिलर असेट लास्ट टाइम कब बेची खरीदी गई थी वो प्राइस ले लो, वो भी नहीं है, एक्टिव मार्केट भी नहीं है। अब क्या करें, बेस्ट एस्टीमेट ऑफ मैनेजमेंट। एक काम करो, मैनेजमेंट अपना एस्टीमेट ले सकती है, मैनेजमेंट अपना एस्टीमेट। सर वो भी नहीं है, वो भी नहीं है सर, एस्टीमेट भी नहीं ले सकते। अगर हमसे ना हो पाएगा देन टेक द वैल्यू इन यूज ओनली। इसका मतलब एट लास्ट इफ द मैनेजमेंट ऑल्सो नॉट इन अ पोजिशन टू टेक एनी काइंड ऑफ एस्टीमेट देन इन दैट केस हमसे ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा मतलब नाउ टेक द वैल्यू इन यूज ओनली एज द रिकवरेबल अमाउंट। इसका मतलब रिकवरेबल अमाउंट ऐसे केस में सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, वैल्यू इन यूज। इंडेस 36 ये भी कहता है कि रिकवरेबल अमाउंट के लिए क्योंकि हमें हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोज चाहिए रहता है, पर अगर मान लीजिए दोनों में से कोई एक मिल रही है और दूसरी किसी कारण से नहीं मिल पा रही तो हम उस एक को ही मान लेंगे रिकवरेबल अमाउंट। आई बात समझ में? अच्छा, यहां तक आपको क्लियर? यहां पर अभी मैं आया नहीं हूं, सीजीयू पर पॉइंट पर अभी मैं आया नहीं हूं, तो चलो इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आते हैं अपन यहां पर इंपेयरमेंट टेस्टिंग। सर ये इंपेयरमेंट टेस्टिंग क्या है? इंपेयरमेंट टेस्टिंग पर ही मैं आना चाह रहा था। शुरू में मैंने आपको बताया था कि बच्चों कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स होते मतलब कि अगर ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस आते हैं तो यू हैव टू चेक कि ऐसा तो नहीं कि मुझे असेट को इंपेयर करना चाहिए, ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी असेट को मेरी असेट इंपेयर होने लायक है। तो वो इंपेयरमेंट टेस्टिंग का मतलब क्या होता है? इंपेयरमेंट टेस्टिंग का मतलब यही होता है कि आप कहीं ना कहीं अपनी असेट की कैरिंग अमाउंट को अपनी रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करते हो। अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा है दैट मीन्स आपका टेस्ट सफल हुआ। टेस्ट सफल हुआ मतलब अब इंपेयरमेंट करना चाहिए। बट अगर रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा निकल गया और कैरिंग अमाउंट कम निकल गया, इसका मतलब आपका टेस्ट फेल हो गया। टेस्ट फेल हो गया मतलब इंपेयरमेंट की कोई जरूरत नहीं, भले वो ऊपर के इंडिकेटर्स थे पर वो इंडिकेटर्स ऐसे ही थे, एवं ही थे साले, आज तो हमारी एसेट इंपेयर नहीं होनी चाहिए क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है। सो बेसिकली ये इंडिकेटर्स के बाद करना पड़ता है हमें टेस्ट ऑफ इंपेयरमेंट। अब जब हम टेस्ट ऑफ इंपेयरमेंट पे आते हैं तो क्या लिखा है, फर्स्ट प्रेफरेंस टू इंडिविजुअल असेट ओनली। हम जब इंपेयरमेंट करेंगे तो हम इंपेयरमेंट किसका करेंगे? असेट का, ऑब्वियसली। सर कौन सी असेट का? अरे जिस असेट का आपको ऊपर इंडिकेटर मिला है, इंडिकेशंस मिले, तो जिस असेट का आपको इंडिकेशन मिला है उस असेट का आप टेस्टिंग करिए। कभी कभार ये होता है जब आप उस इंडिविजुअल असेट का टेस्टिंग करने जाते हो, इंपेयरमेंट करने जाते हो, तो रिकवरेबल अमाउंट आप फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। सर क्यों? क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट का मतलब क्या था? रिकवरेबल अमाउंट का मतलब था वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू, विच एवर इज हायर। वैल्यू इन यूज का मतलब था कि अगर इस असेट को मैं आगे चल के यूज करूं तो मुझे इस असेट से कितने कैश इनफ्लोज जनरेट होंगे, और अगर इस असेट को मैं आज बेचूं तो इस असेट से मुझे कितना कैश इनफ्लो आएगा। मान लीजिए ये जो असेट है जिसकी हम इंपेयरमेंट की बात कर रहे हैं, ये असेट सेपरेटली सेल की ही नहीं जा सकती, मतलब इस असेट की सेपरेट फेयर वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। दूसरा, सेपरेटली इस असेट को यूज करने से कितने कैश इनफ्लोज आएंगे ये नहीं मालूम किया जा सकता। सर ऐसा क्यों? ये जो असेट हम जिसकी बात कर रहे हैं, जो मान लो डैमेज हो गई है या टेक्नोलॉजी जिसकी चेंज हो गई है जो इंडिकेटर हमें मिले, उस असेट का मान लीजिए रिकवरेबल अमाउंट, इंडिविजुअली रिकवरेबल अमाउंट निकालना पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसका इंडिविजुअल फेयर वैल्यू भी नहीं निकल सकता, इंडिविजुअल वैल्यू इन यूज भी नहीं निकल सकता। क्यों सर? क्योंकि वो असेट अपने आप में सेपरेट कैश इनफ्लोज जनरेट नहीं कर सकती। उस असेट को जब आप अदर रिलेटेड असेट्स के साथ ग्रुप में रखते हो तो वो जो छोटा सा ग्रुप बनता है उसको बोलते हैं कैश जनरेटिंग यूनिट। उस ओवरऑल ग्रुप को देखा जाए तो वो ग्रुप सेपरेट कैश इनफ्लोज जनरेट करने में सक्षम होता है। मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं, जिस असेट के इंपेयरमेंट की बात चल रही है वो असेट का रिकवरेबल अमाउंट निकालना पॉसिबल नहीं है, ना हम उसको फेयर वैल्यू निकाल सकते हैं, ना हम उसका वैल्यू इन यूज निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेपरेट कैश इनफ्लोज जनरेट करने में सक्षम, कैपेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो असेट अदर दो चार असेट से के साथ मिलकर ही कैश जनरेट कर सकती है। तो ऐसे केस में कोई बात नहीं, आप इंडिविजुअल असेट का टेस्टिंग मत करिए। नाउ व्हेन द इंडिविजुअल असेट इज नॉट एबल टू जनरेट इंडिपेंडेंट कैश इनफ्लोज, ऐसे केस में कंसीडर कैश जनरेटिंग यूनिट सीजीयू। सर ये सीजीयू क्या होता है? सीजीयू मतलब स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ असेट्स दैट जनरेट्स द कैश इनफ्लोज। स्मॉलेस्ट ग्रुप कुछ असेट्स का, एक से ज्यादा असेट का। वैसे एक असेट थी जो कि अंडर कंसीडरेशन थी जिसको हम इंपेयर करना चाह रहे थे, पर वो सिंगल एज सेपरेट कैश इनफ्लोज जनरेट नहीं कर सकती, तो उसके साथ वाली जो चार और असेट हैं उनको मिला के एज इकट्ठा ग्रुप ऑफ असेट देख लो, क्या वो मिलकर आपको कैश जनरेट करके दे सकती है? यस, तो इट इज कॉल्ड कैश जनरेटिंग यूनिट। कैश जनरेटिंग यूनिट, जो कैश जनरेटिंग यूनिट होगा उस कैश जनरेटिंग यूनिट में बहुत सारी असेट आ सकती हैं। हो सकता है यू कैन से एक मान लीजिए मेरे 5 मॉल हैं अलग अलग सिटीज में, एक दिल्ली में, एक मुंबई में, एक कोलकाता में, एक चेन्नई में, एक बैंगलोर। जो मेरा बैंगलोर का मॉल है वो एक सेपरेट सीजीयू है, मेरा मुंबई का मॉल है वो सेपरेट सीजीयू है, मेरा दिल्ली का मॉल है वो सेपरेट सीजीयू है। अब जो मेरा बैंगलोर का मॉल है उस बैंगलोर के मॉल में तो बहुत सारी असेट्स होंगी, बहुत सारी असेट्स के साथ कुछ लायबिलिटीज भी होंगी। उस बैंगलोर के मॉल में हो सकता है कुछ गुडविल भी आ जाए, हो सकता है उसमें कुछ कॉर्पोरेट असेट्स भी हो। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? सो पॉइंट ये है कि सीजीयू में एक से ज्यादा असेट्स होती हैं और उस सीजीयू में असेट्स होने के साथ साथ गुडविल भी हो सकती है और कुछ कॉर्पोरेट असेट भी होती है। सर गुडविल कैसे होगी? हो सकता है वो बैंगलोर का मॉल मैंने किसी दूसरी कंपनी से परचेज किया हो सकता है वो बैंगलोर का जो मॉल हो मैंने वो किसी कंपनी से परचेज किया हो और उस कंपनी को मैंने परचेज कंसिडरेशन दे दिया हो और परचेज कंसिडरेशन देने पर मेरे को गुडविल जनरेट हुई हो, तो वो जो गुडविल होगी वो उस बैंगलोर के मॉल की बुक्स में रिकॉर्डेड होगी। सो बैंगलोर मॉल, आई कंसीडर बैंगलोर मॉल एज अ सीजीयू और मैं उस पूरे मॉल की असेट्स को इंपेयर करना चाह रहा हूं। मैं इंडिविजुअल किसी असेट को इंपेयर नहीं करना चाह रहा और मेरा पूरा जो मॉल है बैंगलोर का उसमें जितनी भी असेट्स इन्वॉल्व है इंक्लूडिंग गुडविल, मैं सबको इंपेयर करना चाह रहा हूं। दूसरा कॉर्पोरेट असेट्स। सर ये कॉर्पोरेट असेट्स क्या होती हैं? कॉर्पोरेट असेट्स मतलब सीजीयू में आने वाली कुछ ऐसी असेट्स जो उस सीजीयू का पार्ट है बट वो आपको सेपरेटली कैश जनरेट नहीं करके दे सकती। जैसे हम मॉल की बात कर रहे थे, मॉल के अंदर क्या होते हैं? मॉल के अंदर होते हैं कमर्शियल दुकानें, कमर्शियल स्पेस। मान लीजिए वो जो बैंगलोर का मॉल है उसमें 500 कमर्शियल दुकानें हैं, कमर्शियल शॉप्स हैं, बट 500 कमर्शियल शॉप्स के अलावा उसमें 4 अलग अलग जगह लिफ्ट लगी हुई है, 4 अलग अलग जगह लिफ्ट लगी हुई है और कुछ एस्केलेटर्स लगे हुए हैं। अब जो लिफ्ट और एस्केलेटर्स हैं, दीज आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द मॉल, वो भी तो मेरी असेट है। पर क्या लिफ्ट और एस्केलेटर्स क्या मुझे सेपरेटली कैश इनफ्लोज जनरेट करके दे सकते हैं? नहीं, वो कभी भी नहीं करके देते। सो सच लिफ्ट ऑफ मॉल, सच एस्केलेटर्स ऑफ मॉल, ऑल्दो कंसीडर्ड एज असेट फॉर मी बट दे आर नोन एज कॉर्पोरेट असेट्स। कॉर्पोरेट असेट्स मतलब ऐसी कुछ असेट्स जो आपको कभी भी कैश इनफ्लोज जनरेट नहीं करके देती बट वो सीजीयू का पार्ट होती है। अब जो मेरा जो पूरा बैंगलोर का जो मॉल है उसमें जो 500 जो मेरी कमर्शियल दुकानें हैं, शॉप्स हैं, दीज आर द मेन असेट्स जो मुझे कैश इनफ्लोस जनरेट करके देती हैं। बट जो एस्केलेटर है ना, लिफ्ट्स हैं, ठीक है ना, और इसके अलावा जो भी फायर इक्विपमेंट्स हैं वो मुझे कैश जनरेट नहीं करके दे सकते, बट ये मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि मैं अपने बिजनेस को रन कर सकूं। तो दीज आर द सपोर्टिव असेट्स, तो उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट असेट्स। आई मेरी बात समझ में? अब हम सर इनकी बात क्यों कर रहे हैं गुडविल और कॉर्पोरेट असेट की? क्योंकि हम सीजीओ को इंपेयर करने की बात कर रहे हैं। मैं वापस आ रहा हूं। एक्चुअली क्या होता है, आपको इंपेयरमेंट करना है तो सबसे पहले आप इंडिविजुअल असेट के पास जाइए। इंडिविजुअल असेट का रिकवरेबल अमाउंट निकाल सकते हो और कैरिंग अमाउंट निकाल सकते हो। कैरिंग तो आराम से निकालोगे, क्या रिकवरेबल अमाउंट निकाल सकते हो? द आंसर इज यस। ठीक है, रिकवरेबल अमाउंट आप इंडिविजुअल असेट का नहीं निकाल सकते हो क्योंकि वो आपकी कैश इनफ्लो जनरेट करने में कैपेबल नहीं है इंडिपेंडेंटली। कोई बात नहीं, तो अब आप ये चेक करो कि वो असेट किस कैटेगरी में आती है, किस सीजीयू में आती है। वो असेट जिस सीजीयू का पार्ट है उस पूरे सीजीयू को इंपेयर कर दो। अब हो सकता है वो पूरा का पूरा जो सीजीयू होगा, वो पूरा का पूरा सीजीयू अपने आप में एक पूरा बिजनेस हो। माइट बी दैट सीजीयू कैन बी ब्रांच, माइट बी द सीजीयू कैन बी अ डिपार्टमेंट, माइट बी अ सीजीयू कैन बी अ सब्सिडरी कंपनी, अ सीजीयू कैन बी अ मॉल। अब उस सीजीयू के अंदर कई सारे असेट्स होंगे, कई सारे लायबिलिटीज भी होंगे। तो उन असेट्स में हो सकता है कुछ गुडविल हो, कुछ कॉर्पोरेट असेट्स हो, राइट। तो आपको बस ये याद रखना है कि पूरा जब सीजीयू का इंपेयरमेंट होता है तो उस सीजीयू के अंदर हर असेट का इंपेयरमेंट होता है, चाहे उसमें गुडविल इन्वॉल्व है, चाहे कुछ कॉर्पोरेट असेट इन्वॉल्व है। आई मेरी बात समझ में गाइस, अंडरस्टूड और नॉट? अब करना क्या है, यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। जब आप सीजीयू का इंपेयरमेंट करोगे तो आपको चाहिए रहेगा कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू माइनस रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सीजीयू। इससे क्या आएगा? इससे आएगा आपको लॉस, आपको आएगा इंपेयरमेंट लॉस। ये रहा आपका इंपेयरमेंट लॉस। जितना आपका इंपेयरमेंट लॉस आया, जितना भी आपका सीजीयू का इंपेयरमेंट लॉस आया, वो इंपेयरमेंट लॉस आप किसकी वैल्यू में से माइनस करते हो? आप वो माइनस करते हो गुडविल की वैल्यू में से। किसकी वैल्यू में से माइनस करते हो? गुडविल की वैल्यू में से। आप वो लॉस टोटल लॉस में से आप वो गुडविल की वैल्यू माइनस करते हो। मतलब जितना भी आपका सीजीयू का इंपेयरमेंट लॉस आया, सबसे पहले गुडविल को भगाओ। जितनी भी गुडविल इन्वॉल्व है वो गुडविल माइनस करो। गुडविल माइनस करने के बाद जो भी आपका बैलेंस लॉस बचेगा, उस बैलेंस लॉस को सीजीयू में जितनी भी असेट्स हैं, जैसे मान लीजिए वो 500 कमर्शियल दुकानें, एस्केलेटर्स, लिफ्ट्स, फायर इक्विपमेंट, फायर एक्सटिंग्विशर इक्विपमेंट्स, जितनी भी असेट्स हैं उन असेट्स की कैरिंग अमाउंट के प्रपोर्शन में लॉस को डिवाइड कर दो। पोर्शन टू ऑल असेट्स इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट असेट्स इन द रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट। ठीक है ना, आपके पास मान लीजिए 10 मेन असेट्स हैं इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट असेट, तो लॉस को उन 10 के 10 असेट में अपोर्शन कर दो इन प्रपोर्शन टू देयर कैरिंग अमाउंट। तो जितना भी आपका लॉस आएगा सीजीयू का, इंपेयरमेंट लॉस आएगा, इंपेयरमेंट लॉस में सबसे पहले आपको गुडविल माइनस करनी पड़ेगी। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर बेटा, मेरी बात समझ में आई कि नहीं? तो मैंने आपको ये वाला पोर्शन करवाया, अभी मैंने आपको ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन नहीं करवाया। ये मैंने आपको दोनों पोर्शन अभी छुड़वा दिए। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या करवाया? अभी तक मैंने आपको करवाया कि क्या क्या इंडिकेटर्स होते हैं इंपेयरमेंट के, स्पेशली इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी में क्या इंडिकेटर्स होते हैं। फिर मैंने आपको ये रिवर्सल वाला पार्ट छुड़वा दिया। फिर मैंने आपको बताया कि कैलकुलेट कैसे करेंगे, इंपेयरमेंट के लॉस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिवर्सल मैंने अभी नहीं करवाया। फिर मैंने आपको बताया कि रिकवरेबल अमाउंट क्या क्या होता है, रिकवरेबल अमाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं, कैसे कैसे एस्टिमेट करते हैं फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज। फिर मैंने आपको बताया कि इंपेयरमेंट टेस्टिंग किस किस चीज की होती है। आप पहले इंडिविजुअल असेट के पास जाते हो, नहीं तो फिर आप सीजीयू के पास जाते हो, सीजीयू के पास जाते हो तो आप इंपेयरमेंट लॉस निकालने के बाद पहले गुडविल को माइनस करते हो, फिर बैलेंस आप रिमेनिंग असेट्स में अपोर्शन करते हो। ठीक है, गुडविल के बारे में और कॉर्पोरेट असेट के बारे में कुछ और पॉइंट है जो मैं पार्ट 2 में कवर करूंगा। अब आते हैं नॉर्मली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। इंपेयरमेंट लॉस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? बेटा इंपेयरमेंट लॉस है तो मतलब लॉस अकाउंट डेबिट होगा, जिससे असेट की वैल्यू डाउन होगी। तो सीधी सीधी बात है, आपका एंट्री होगा इंपेयरमेंट लॉस डेबिट टू असेट। अब सवाल ये उठता है कि ये इंपेयरमेंट लॉस को मैं कहां ले जाऊं, मैं इसको पीएनएल में ले जाऊं कि मैं इसको कहीं और ले जाऊं। तो INDAS कहता है कि क्या ये जो असेट आपने इंपेयरमेंट किया है, इस असेट के ऊपर आपके पास पहले से ही कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस रखा हुआ है क्या ओसीआई में? अगर आपके पास सेम असेट, जिस कैटेगरी के असेट को आपने इंपेयर किया है या जिस सीजीयू को आपने इंपेयरमेंट किया है, क्या उस सीजीयू का या उस असेट का आपके पास पहले से ही रिवैल्यूएशन सरप्लस रखा है क्या? अगर आपके पास उसका रिवैल्यूएशन सरप्लस रखा है तो आप लॉस को रिवैल्यूएशन सरप्लस से सेट ऑफ करोगे। पर अगर आपका लॉस ज्यादा है और रिवैल्यूएशन सरप्लस कम था, मान लीजिए लॉस है 50 लाख का और रिवैल्यूएशन सरप्लस में रखा था 40 लाख, रिमेनिंग 10 लाख विल बी चार्ज टू P&L। तो अपन एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट P&L डेबिट टू इंपेयरमेंट लॉस। आई बारी बात समझ में कि नहीं? इस तरीके से करेंगे तो दिस इज कॉल्ड, ये आपका कवर होता है यहां पर कि प्रोवाइडिंग इंपेयरमेंट लॉस, चार्ज टू रिवैल्यूएशन सरप्लस इफ अवेलेबल, चार्ज टू P&L देयर आफ्टर इफ देयर इज नो रिवैल्यूएशन सरप्लस। अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस खत्म हो जाए तो उसके बाद P&L में ले जाओगे। सर ये रिवर्सल की बात तो अभी हम कर ही नहीं रहे, तो रिवर्सल का पूरा पूरा पॉइंट मैंने आपको छुड़वा दिया। कॉर्पोरेट असेट और गुडविल का मैंने अभी पॉइंट कुछ कुछ मुझे डिस्कस करना है, ठीक है, और मिसलेनियस प्रोविजन मुझे आपका डिस्कस करना है। सो गाइस, दिस वाज द रिवीजन ऑफ INDAS 36 पार्ट 1, जिसमें हमने क्या देखा? सबसे पहले इंडिकेटर्स देखे इम्पेयरमेंट के। इंडिकेटर्स को हमने दो हिस्सों में बांटा, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर और अदर असेट्स। अदर असेट्स के इंपेयरमेंट इंडिकेशंस को भी हमने दो हिस्सों में बांटा, एक्सटर्नल और इंटरनल, जिसमें टोटल मिला के 7 थे। फिर हमने देखा कि इंपेयरमेंट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, इंपेयरमेंट लॉस को, जिसके लिए हमें चाहिए कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट मतलब ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और दूसरा चाहिए हमें रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट इज अ हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। दोनों हमने देखा कि दोनों को कैसे एस्टिमेट करना पड़ता है। फिर हमने देखा कि चलो इंपेयरमेंट टेस्टिंग कैसे होती है, इंडिविजुअल असेट की, नहीं तो फिर सीजीयू की। सीजीयू के केस में फिर इंपेयरमेंट कैसे लगाते हैं वो देखा। फिर हमने देखा कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इंपेयरमेंट का क्या क्या होता है। मुझे ये लगता है कि इस पूरे INDAS 36 को हमें 2 सेशंस में डिवाइड करना चाहिए, नहीं तो एक ही सेशन को समझते समझते बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लफड़ा हो जाएगा। इसीलिए मैं अभी यहाँ पर ब्रेक ले रहा हूँ, मतलब इस सेशन को अभी यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। इस सेशन को मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा और जो नेक्स्ट सेशन होगा वो आप बाद में देखिएगा, ठीक है ना, इस सेशन के बाद रहेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज़।